हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। बट मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आता बच्चों का। पता भी नहीं चल रहा है कि कौन 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 से बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी लिया है 11वीं क्लास के अंदर। तो वीडियो देखने के बाद में आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखोगे कि आप ये स्टूडेंट हो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप लोग 11वीं क्लास के अंदर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे। अरे सबसे अच्छे तो तुम लोग प्रेजेंट दे देना मुझे कि तुम लोग प्रेजेंट हो, वरना पता भी नहीं चल रहा कौन बच्चों ने सब्जेक्ट ले रखा है। तो मैं ऑलरेडी बात कर भी चुकी हूँ। हमने जो अध्याय 8 है आपका जीव विज्ञान में, वो शुरू कर रखा है कोशिका। क्या शुरू कर रखा है? कोशिका वाला जो पार्ट है वो शुरू कर रखा है। चले तो इसी को हमने देखो, इस कोशिका से संबंधित कुछ बातें हमने देख भी ली है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका क्या है, कोशिका किसने खोजा, कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, ये सब बातें हमने देखी है। देखिए जी, आगे देखो, हम अब कोशिका की कुछ घटक की बात करेंगे कि कोशिका किन किन से मिलकर बनी होती है। कोशिका किन किन घटक से मिलके बनी होती है, तो मेरी बात सुनो। कोशिका में सबसे बाहर की तरफ एक पतली परत पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कुछ जीवाणु व पादपों में कोशिका झिल्ली के बाहर भी, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक और कठोर झिल्ली पाई जाती है, हार्ड झिल्ली पाई जाती है, परत पाई जाती है, जिसका नाम होता है कोशिका भित्ति। जो ठीक है, जो क्या है, कोशिका भित्ति। कोशी वैसे तो कोशिका झिल्ली है, पादपों में इससे बाहर एक और परत पाई जाती है, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, अधिजंतुओं में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, हमने नहीं है कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद में एक हम इसमें देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे केंद्रक, और कोशिका द्रव्य के अंदर भी बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं। मैं अभी अंगक के नाम से बात ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन मैं ये कह दूरे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, है ना, हरित लवक, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, अंगक कहलाते हैं। अंगक कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो घटक क्या क्या हो गए, देखो जी, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य दोनों में होगा, अंगक होंगे और केंद्रक होगा। कुछ अंगक पादप और जंतु कोशिकाओं में कुछ अंगक अलग अलग होते हैं। तो जब वो तो अब जब अध्ययन करेंगे तब पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपको ये सम्मिलित रूप से घटक को ध्यान में रखना होगा। अब मैं आपके सामने एक काल्पनिक चित्र बनाती हूँ कोशिका का, कोशिका नहीं होगी, काल्पनिक चित्र बना रही हूँ, तो मेरी बात ध्यान में सुनिए। एक काल्पनिक चित्र, सबसे पहले मैं एक पतली झिल्ली बना दूँ, जैसे प्याज होता है ना, प्याज से आप एक बिल्कुल ऐसे सफ़ेद रंग की पतली सी परत निकालते हो, सेम वैसी की वैसी पत्ते से प्याज से एक पतली सी अपन परत निकाल लेंगे, तो प्याज से जो पतली सी परत निकाल रहे हैं, सेम वैसी की वैसी पतली पारदर्शी परत किसके चारों तरफ है, कोशिका के चारों तरफ है। पतली पारदर्शी परत किसके चारों तरफ है, कोशिका के चारों तरफ है। इस पतली पारदर्शी परत को मैं क्या कह दूँ, कोशिका झिल्ली कह दूँ। जिसको देखो याद आ गया कि सलीडन ने जिसको प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया था, कोशिका सॉरी सलीडन ने काहे का दिया था, स्वान ने दिया था ना, स्वान ने दिया था, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब पादपों में
कोशिका झिल्ली के बाहर एक और या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, पादपों और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक पतली परत दिखती और पाई जाती है जो हार्ड होती है, मजबूत होती है। ए पार्ट इसका नाम है कोशिका भित्ति। तो सबसे बाहर की, अब पादपों की मैं बात करूँ तो कोशिका भित्ति, उसके बाद में कोशिका झिल्ली। अगर जंतुओं की बात करूँ तो सबसे बाहर कौन है? कोशिका झिल्ली। अब यहाँ इसके अंदर कोशिका झिल्ली में अंदर की तरफ एक द्रव्य पाया जाता है, वह जो द्रव्य जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन सब का बना होता है, जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। हाय बच्चों, क्या नाम है जिसका? कोशिका द्रव्य। कोशिका के बिल्कुल बीच में एक और गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसका नाम होता है केंद्रक, जो कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। केंद्रक के चारों तरफ की जो झिल्ली है उसे क्या कह दो रे? केंद्रक झिल्ली कह दो। ये बात अपन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए। क्या पाया जाता है? अनुवांशिक पदार्थ। जैसे हमारे अंदर अनुवांशिक क्या है? डीएनए। ठीक है, अब यहाँ जो ये बच गया, यानी कि क्या है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच वाला जो एरिया है वो कोशिका द्रव्य है। वो क्या है? कोशिका द्रव्य है। और इसी कोशिका द्रव्य में बहुत सारी ऐसी ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को क्या कहोगे? अंगक कहोगे। सब अंगक का अपना अपना एक नाम होता है। सब अंगक का अपना अपना एक नाम होता है। तो ये सब संरचना क्या कहलाती है रे? अंगक कहलाती है। चलें, तो कोशिका झिल्ली पादप है, तो उसके बाद कोशिका भित्ति, अंदर की तरफ केंद्रक, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य है क्या? कोशिका द्रव्य क्या है? जल, कार्बन, प्रोटीन का एक मिश्रण होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली इसमें अनुवांशिक पदार्थ है, केंद्रक द्रव्य है ना। चलो, ये एक रफली चित्र बनाया है, कोई चित्र नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि ये कौन है, मैं ना ये कहूँ जंतु कोशिका, ना मैं कहूँ पादप कोशिका, है ना। क्यों कहूँ? क्योंकि मैं तो ये कह रही हूँ कोशिका भित्ति नहीं है, तो ये क्या बन गई? जंतु कोशिका बन गई। कोशिका भित्ति बना दो तो पादप कोशिका बना दो। बस एक रफली चित्र से मैंने इसके भागों के वर्णन करने की कोशिश की आपके सामने, कि एक कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे? देखिए, हम इनको विभाजित कर देते हैं। कर दूं? करूंगी ना करूंगी तो कहां जाऊंगी, है ना। कर दूं दो कोशिका, कर दूं एक, मैं कर दूं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक मैं कह दूं यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलो पढ़ो तो प्रोकैरियोटिक और ये किसके आधार पर है? केंद्रक झिल्ली के आधार पर। केंद्रक के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रो आ जाओ रे, प्रो, प्रो मानी अविकसित, अविकसित, अविकसित। कैरियोटिक शब्द आया है, रफ में लिखते जाइयो कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक।
ऐसी कोशिका जिसमें अविक्षित केंद्रक होता है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक है, जैसे मान लो ये केंद्रक है और केंद्रक में ये अनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ है, तो अब ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। मेरी बात समझ में आई ना, ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी, ये अनुवांशिक पदार्थ इस कोशिका द्रव्य में ही पड़ा हुआ है, अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में ही पड़ा हुआ है। तो यानी कि अविकसित केंद्रक जिसमें पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, या फिर कह दो ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ये मेन अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का, जो मेन अंतर है ये कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अब यहाँ आ जो यू का मतलब होता है अच्छे से विकसित, कैरियोटिक से ले लो कैरियोन, कैरियोन का मतलब कर दो केंद्रक, मतलब केंद्रक विकसित होता है। केंद्रक विकसित होने का मतलब क्या हुआ, केंद्रक झिल्ली का पाया जाना, केंद्रक झिल्ली का पाया जाना। जैसे ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली है और इसमें ये अनुवांशिक पदार्थ, तो देखो अनुवांशिक पदार्थ और कोशिका द्रव्य के बीच में कौन आ गया, केंद्रक झिल्ली आ गई, तो ये विकसित है। जबकि इस वाली कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पड़ा हुआ है, कोशिका द्रव्य में ही पड़ा हुआ है, तो ये अविकसित है, जबकि ये वाली कैसी है, विकसित है। तो अगर केंद्रक झिल्ली पाई जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक ये अंतर समझ में आ गया। और अंतर देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते, झिल्ली रहित कोशिकांग यानी अंगक कोशिकांग पाए जाते हैं, वे झिल्ली युक्त अनुपस्थित होते हैं, युक्त अनुपस्थित होते। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिकांग होंगे, अंगक होंगे कोशिका द्रव्य में, लेकिन उनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाएगी, वो ही होगा। तो एक ही कोशिकांग होता है, उस कोशिकांग का नाम है राइबोसोम। आप ध्यान रखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है, वही राइबोसोम पाया जाता है। उस राइबोसोम का नाम है 70S राइबोसोम। राइबोसोम का क्या काम होता है बच्चों, ये प्रोटीन बनाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब जैसे राइबोसोम है तो ये 80S तो है ही है और 70S भी होगा, बाकी के जो कोशिकांग है ये प्रकार है, जब मैं पढ़ाऊंगी ना राइबोसोम तब समझाऊंगी प्रकार कैसे बने, ठीक है ना। और गोल्जिकाए, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ना, सब ये सब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल क्या पाया जाता है, राइबोसोम ही पाया जाता है। बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखो, मैंने अभी क्या कहा था कि ये कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली और ये यहाँ पड़ा अनुवांशिक पदार्थ और ये रहा कोशिका द्रव्य। मेरी बात समझना, ठीक है। इसमें क्या कहा मैंने, ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली और इस केंद्रक झिल्ली में क्या पड़ा है ना, केंद्रक झिल्ली में क्या पड़ा हुआ है, अनुवांशिक पदार्थ। और यहाँ देखो, ये केंद्रक झिल्ली और ये कोशिका झिल्ली, इसके बीच में जो द्रव्य पाया जा रहा है उस द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं।
अब मेरी बात ये सुनो, इसका कोशिका द्रव्य कोई निश्चित है क्या, कहाँ तक है? क्योंकि इसमें तो इस कोशिका द्रव्य को अलग करने के लिए क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जबकि यहाँ पे कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो आप ये कह दो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य बिखरा हुआ रहता है, जिसे आधात्री कहते हैं। कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, आधात्री कहा जाता है। इसका कोशिका द्रव्य बिखरा हुआ रहते से आधात्री कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में ही पड़ा रहता है, जबकि इसका कोशिका द्रव्य, जबकि इसका जो कोशिका द्रव्य है वो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में है, व्यवस्थित रूप से पाया जाता है। जब कोशिका द्रव्य व्यवस्थित रूप से पाया जा रहा है, इसीलिए ही इसमें क्या पाए जाते हैं, अंगक पाए जाते हैं सभी प्रकार के। बात समझ में आ गई? देखो, प्रो अविकसित कैरियन यानी केंद्र, अविकसित केंद्रक होता है, इसमें विकसित केंद्रक होता है। इसमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसका अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में ही पड़ा रहता है, जबकि इनका अनुवांशिक पदार्थ केंद्रक में केंद्रक झिल्ली से सुरक्षित है। इसका कोशिका द्रव्य बिखरा हुआ रहता है, जिसे आधात्री कहते हैं। इसका कोशिका द्रव्य व्यवस्थित रूप से होता है। इसमें झिल्ली रहित कोशिकांग तो पाए जाते, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतःपरद्रव्यी जालिका, सेंट्रियोल्स, ठीक है, बहुत सारे, गोल्जी बॉडी, ठीक है, हरित लवक, है ना, ये सब इसमें नहीं पाए जाते, जबकि इसमें पाए जाते हैं। इसमें केवल एक राइबोसोम पाया जाता है कि उस पर झिल्ली नहीं होती है, जबकि राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बहुत ही कम, एक के बराबर होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मैं मेरा उदाहरण दूं, मानव का उदाहरण हम ले तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसमें आप उदाहरण किसका दोगे, जीवाणुओं का दोगे, जीवाणु आते हैं, जबकि इसमें जो उच्च स्तर के होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय जीव भी आएंगे और बहुकोशिकीय जीव भी आएंगे। एक कोशिकीय से अमीबा है, पैरामीशियम, एक कोशिका सभी के सभी फंक्शन परफॉर्म करिए, जब एक कोशिका सभी फंक्शन परफॉर्म करिए इसका मतलब विकसित कोशिका है। अरे एक अकेला हर काम कर सकता है, हर क्षेत्र में विकसित है, इसका मतलब वो विकसित है, हर क्षेत्र में अपने आप को बढ़ावा दे रहा है। तो ये नहीं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो आप उसे प्रोकैरियोटिक कर दो, ना, अमीबा की एक कोशिका ही सारे काम करे जो हम काम करते हैं, खाना पीना, है ना, प्रजनन करना, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये सारे के सारे काम कौन कर रही है, एक कोशिका। तो विकसित है वो कोशिका, जब विकसित कोशिका कोई काम करती है तो वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और जो कोशिका, अब इसमें केवल आप उदाहरण किसका दे दो, कि जीवाणुओं का दे दो, केवल जीवाणु आएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब मेरी बात ये समझ में आ गई, चारों तरफ में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि याद रहे आपके पास, है ना। अब हम बात करते हैं कि जो कोशिका होती है वो आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है, साइज उसकी, यानी कि आकार और आकृति, आकार और आकृति कोशिकाओं के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखो, आकार आकृति याद करने की तो ज़्यादा जरूरत है नहीं, बस कुछ मेन मेन चीज़ें वो मैं बता दूँ। आप इतना ध्यान रखना कि जो कोशिकाएं होती है, आकार और आकृति उसके कार्य के आधार पर अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, एक नहीं होती, अलग अलग होती है। अब देखो, जैसे मैं कुछ आप ध्यान में रखोगे, एक तो याद रखोगी सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा, जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है,
अविकसित कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। फिर आप करोगे सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच, नाम सुना होगा जरूर, उसका जो अंडा होता है, देखो अंडा है हमें दिखा दे, एक कोशिकीय, ये भी ध्यान रखियो, इसका जो अंडा बहुकोशिकीय नहीं एक कोशिकीय है, लेकिन आकार में बड़ा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका, ये होती है तंत्रिका कोशिका जो हमारे अंदर पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, ये सबसे लंबी होती है। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच पक्षी, उसका अंडा एक कोशिकीय, लेकिन ये ध्यान रखिए, और सबसे लंबी है तंत्रिका कोशिका। वैसे देखो सबकी संरचना अलग अलग होती है, आकार, जैसे तंत्रिका कोशिका की संरचना आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, तो इसी इस प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिका, ऐसे है ना, ऐसे ही होती ना तंत्रिका कोशिका। रे ये लो जी ऐसी है ना, तो देखो इसमें शाखाएं पाई जा रही है ना, ये लो आपने आरबीसी, ओवे अंडा, अंडे की जैसी, ये आरबीसी अंडे की जैसी होती है। श्वेत रक्त कणिका डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी अमीबा के जैसी संरचना की होती है। तो मैंने क्या कहा था, आकार और आकृति कार्य के आधार पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ज़्यादा आपको बस ये बातें यहाँ ध्यान रखनी हो, तो आज तो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर करवा दिया। एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, पादपों में कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं में भी होती है कोशिका भित्ति, है ना। और एक हम पढ़ते हैं कवक जो अचार वगैरह खराब कर देते हैं, इष्ट कोशिका होती है, मशरूम होता है वहाँ होती है। और ठीक है, कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये सारी बातें आती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? अब आपको एक बात और बतानी थी मुझे, शायद वो रिप्लेस हो गया था, कि जब मैं आपको कोशिका सिद्धांत पढ़ा रही थी, है ना, बस थोड़ा सा इंग्लिश टर्म यूज करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए, कि जब मैं कोशिका सिद्धांत पढ़ा रही थी तो मैंने ये कहा था कि जो रुडोल्फ विर्चोव है उसने सेलूल ई सेलूल, है ना, ओमनी सेलूल ई सेलूल कहा है कि नई कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है, और इसी नियम को क्या कहते हैं, द लॉ ऑफ लिंकेज, द लॉ ऑफ सेल लिंकेज, ये आप ध्यान में रखोगे, द लॉ ऑफ सेल लिंकेज, सेल मानी कोशिका, सहलगन नियम, कोशिका का सहलगन नियम कहते हैं, जो पुरानी वाली कोशिका के जो लक्षण है वो नई वाली कोशिका, तो सहलगन हो गई ना एक, तो कोशिका के सहलगन का नियम भी ओमनी सेलूल ई सेलूल को ही कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। ओके बच्चों, मैंने कहा था वीडियो देखने के बाद में आप अपना नाम लिखोगे तभी प्रेजेंट मानी जाएगी कि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, वरना नहीं माना जाएगा, क्लास में वापस से भी नहीं करवाया जाएगा जो आपको करवा दिया। तो सभी बच्चे क्लास को अच्छे से अटेंड करें। ओके बच्चों।